children, our today's subject is English and our today's topic is small letters. We have already completed capital letters A to Z and today I am going to teach you small letters. आज मैं आप लोगों को small letters A, B, C, D बताऊंगी. हम लोगों ने capital letter already complete किया है तो अब हम लोग small letters सीखेंगे. Okay? पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं. A B C D. ये क्या है? A. स्मॉल लेटर में हम लोग A ऐसे लिखते हैं. B C D. ओके अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे. पहले हम लोग A लिखते हैं. ओके A लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग एक ऐसे C के जैसा कर्व बनाएंगे और इसको ऊपर तक ले जाके ऐसे A. ओके ऐसे कर्व बना के इसको ऊपर तक ऐसे सीधा ऐसे लाइन लेके जाएंगे और इसको फिर इसी लाइन पे वापस ऐसे लाएंगे. ए ऐसे कर्व बनाते हुए इसको हम लोग ऊपर ऐसे सीधा लेके जाएंगे और इसी लाइन को फिर से रिपीट करते हुए आप लोग नीचे ऐसे लाएंगे. ए ओके ऐसे कर्व बनाएंगे जैसे आप लोगों ने सी लिखा था ना वैसे ही. फिर इसको हम लोग ऊपर ऐसे सीधी लकीर में लेके जाएंगे फिर इसी पे रिपीट करते हुए वापस आएंगे. ओके ये हो गया ए. और आप लोग ये देखेंगे हम लोग स्मॉल लेटर्स में बहुत सारे लेटर्स जो है वो बीच के टू लाइंस में लिखते हैं, बहुत सारे लेटर्स ऊपर की थ्री लाइन में लिखते हैं और बहुत सारे लेटर्स हम लोग नीचे के थ्री लाइन में लिखते हैं. वो मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊंगी आप लोग वैसे ही लिखेंगे. ओके ए को हम लोगों ने बीच के टू लाइंस में लिखा है. ओके बीच के टू लाइंस में हम लोग ए स्मॉल ए लिखते हैं. स्मॉल बी को हम लोग ऊपर के थ्री लाइंस में लिखते हैं. देखिए ऊपर से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन तक हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और देन बीच के टू लाइंस में इसको कर्व करते हुए ज्वाइन करेंगे. ये हो गया बी. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन इन बिटवीन फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन. हम लोग फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक के बीच में एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और बीच के टू लाइंस में एक हम लोग कर्व करेंगे जो इस लाइन से जॉइंट रहेगा. ओके ये हो गया बी स्टैंडिंग लाइन देन कर्व. ओके ये हो गया बी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व. बी बी को हम लोग ऊपर के थ्री लाइन में लिख रहे हैं. आप लोग जब भी लिखेंगे लाइन को ध्यान में रखकर लिखेंगे. ओके लाइन को देख के अच्छे से लिखेंगे. सी आप लोग देखिए सी यहाँ मैंने बीच के टू लाइन में लिखा है. ओके ये फोर लाइन है ना 1 2 3 4 आपकी इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश नोटबुक में 3 4 लाइन की होती है तो इसके बीच के टू लाइंस में हम लोग सी लिखेंगे स्मॉल सी. ओके बीच के टू लाइंस में हम लोग ऐसे लिखते हैं सी. ये हो गया सी. सी इजी है ना ये बस कर्व करना है. ये हो गया सी. जैसे आप लोगों ने कैपिटल सी लिखा था बट कैपिटल सी हम लोग थ्री लाइंस में लिखते हैं स्मॉल सी हम लोग बीच के ये टू लाइंस में लिखेंगे. ओके ए बी सी डी. ये क्या है? डी. डी को जस्ट हम लोग वैसे ही अपोजिट लिखेंगे जैसे बी लिखा है हम लोगों ने वैसे ही लिखेंगे. ओके फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और ये बीच के टू लाइंस में एक कर्व करके इस साइड से इसको मैच करेंगे. ओके बी में हम लोग इस साइड में करते हैं डी में हम लोग इधर से करते हैं. तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ये वो बी को डी और डी को बी लिख देते हैं. ओके तो आप लोग ये चीज़ माइंड में रखेंगे. ये हो गया डी. ओके फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और मिडिल के टू लाइंस को हम लोग ऐसे कर्व से ज्वाइन करेंगे. ओके ये हो गया डी. डी डी. ओके ए बी सी डी इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ओके ये आपकी इंग्लिश नोटबुक है जिसमें आपको टू पेजेस स्मॉल लेटर ए बी सी डी लिखना है. ओके और आपका एक और होमवर्क है आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक जो कि स्मॉल लेटर्स में है उसमें पेज नंबर 10 एंड 11. ओके ये देखिए ये आपकी स्मॉल लेटर राइटिंग बुक है. हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी कैपिटल लेटर्स कंप्लीट किया था. माय फर्स्ट एक्टिविटी कैपिटल लेटर्स आप लोगों ने वो कंप्लीट किया है ना.
और ये है माई फर्स्ट एक्टिविटी स्मॉल लेटर्स। इसमें आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और इसको रोज आप लोगों को 2 पेजेस लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों को बहुत जल्दी से लिखने आ जाएगा। ओके, तो इसमें स्मॉल लेटर्स में आपको पेज नंबर 10 और 11 कंप्लीट करना है। ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है और आपको अपने स्मॉल लेटर राइटिंग बुक में पेज नंबर 10 और 11 कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।